देखिए बहुत बड़ी खबर जो है अपडेट अभी आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले को एक बार फिर से जो है बहुत बड़ी तोहफा जो है मिला है। आपको बता दें कि जी हां आपने सही सुना, वही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जो है काफ़ी जो है बेहतर रूप से जो है इसे बनवाया जाएगा, जिसको लेकर जो है मॉडल जो है जारी कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि मॉडल देखने के बाद जो है देश विदेश में जब जाते होंगे तो आप देखते होंगे साफ तौर पर जो है काफ़ी अच्छा जो है रेलवे जंक्शन देखने को मिलता होगा। और ऐसा जो 2025 तक जो है मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बनवा दिया जाएगा, इसको लेकर 446 करोड़ रुपए की लागत से जो है पूरे रेलवे जंक्शन को बनाया जाएगा, जिसको लेकर जो है आज जो है मॉडल जारी किया गया। वहां का तस्वीरें आप देख सकते हैं खुद, जो है पूरी तरह से काफ़ी अच्छा जो है यह दृश्य देखने को मिल रहा है। वही बिहार का यह बहुत बड़ी गर्व की बात है जो मुजफ्फरपुर जिले को चयनित किया गया। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं साफ तौर पे पूरी चीज़ों को जो है देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही आपको बता दें कि यह जो है 2025 तक विश्व स्तरीय जंक्शन का निर्माण हो जाएगा, वही तीन फेज में निर्माण होना है, वही 2 माह बाद काम पटल पर देखने लगेगा। फिलहाल निर्माण गति धीमी है, मगर जो है काम जो है सुचारू रूप से अब शुरू है। वही आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर जो है मुजफ्फरपुर के लिए है। और देख सकते हैं मॉडल जो है काफ़ी अच्छा, जिससे जो है अब जो है लोग जो है सफ़र करने में भी काफ़ी उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। 2025 तक जो है विश्व स्तरीय जो है जंक्शन का जो है यह निर्माण हो जाएगा। वही क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के अजय निषाद जो है सांसद, उन्होंने साफ तौर पर मीडियाकर्मी से बात करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। ऐसे मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर जंक्शन जो है वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, काम भी अलॉट हो गया है, जमीनी स्तर का जो काम है नक्शा उक्शा का वो भी सब बन गया है। जैसे आपको दिखाया गया है 446 करोड़ रुपये का टोटल काम है। 2025 सितंबर में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। काम हमको लगता है कि 1-2 महीना के अंदर में बहुत तेजी से होगा। लोग यहाँ प्रतिदिन लगभग 20,000 यात्री यहाँ पर चढ़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, तो ट्रांजेक्शन भी यात्री का बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से समझिए कि गुणवत्ता के साथ अच्छी सर्विस देना भारतीय रेलवे का लक्ष्य है। कि जिस पैसा यात्री से अगर हम कमा रहे हैं तो उस पैसे को भी सदुपयोग करके उसको गुणवत्ता के साथ अच्छी सर्विस दे, ये रेलवे का लक्ष्य है। कब तक पूरा हो जाएगा? और सितंबर 2025 तक ये योजना जो है ये काम जो है पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको दो फेज में काम करना है, एक फेज 24 तक होगा, दूसरा काम सितंबर 25 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग भी है ताकि यात्रियों को जो गाड़ी पार्क करने का जो समस्या होता है कम स्पेस में ज्यादा गाड़ी होगा। मॉल भी है इसमें, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे, जो भी यात्री का जो सुविधा है ठहरने के लिए अच्छा विश्राम करने के लिए जो पैसेज होता है, जिसको 2-3 घंटे के बाद जो ट्रेन है उसके लिए भी पर्याप्त संख्या रहेगा। अगर किसी यात्री को रात में रुकना भी है तो स्टेशन परिसर में भी यात्रियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। कि आपने साफ तौर पर सुना कि उनका कहना है कि 2025 तक जो है पूरी तरह से मॉडल तैयार रहेगा, और जो भी चीज़ मॉडल में दिखाया गया है वह पूरी तरह से जो है मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें, वही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर खबर देखने तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि हर एक खबर आपको अपडेट आपको मिलता रहे। वही तब तक के लिए याद दीजिए, धन्यवाद।